बिग बॉस से निकलते ही विकी अंकिता के रिश्ते में तूफान आना तय बताया जा रहा है। ये तूफान तालाब का भी रूप ले सकता है। जिस तरह से बिग बॉस के घर में एक महीने में इनकी असलियत पता चली, क्या रियल लाइफ में भी विकी अंकिता के संग ऐसे ही रहते हैं? अगर रियल लाइफ में भी विकी अंकिता के संग ऐसे ही रहते हैं तो अंकिता विकी संग ज्यादा देर नहीं रह पाएंगी। अंकिता के घर वाले भी विकी को अब पसंद नहीं करते हैं। अब उनकी बेटी संग ऐसी घटिया हरकतें की जाएंगी तो कोई भी माँ बाप उन्हें पसंद नहीं करेगा। विकी कई बार कह चुके कि मेरी अपनी खुद की पहचान है, मुझे अंकिता की पहचान की जरूरत नहीं है और प्लीज मुझे अंकिता का पति मत कहा करें, विकी जैन बोले। और दूसरी तरफ उन्हीं की पहचान का फायदा उठाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं विकी जैन, लेकिन खुद अपने मुंह से अपनी पत्नी की सफलता की तारीफ को कबूल नहीं करते हैं। अंकिता उनकी बहुत इज्जत करती है और इस रिश्ते को बहुत खींच रही है, बचा रही है, लेकिन विकी अपनी घटिया हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। अंकिता जैसी पत्नी के लिए बिल्कुल बदलना नहीं चाह रहे हैं। एक तरह से विकी की नजरों में अंकिता की कोई वैल्यू नहीं है और ये अब से नहीं बल्कि शादी के कुछ महीनों से ही होता चला आ रहा है। अंकिता की वैल्यू खत्म कर दी है विकी ने। वो अंकिता के बजाय बिग बॉस के घर की बाकी लड़कियों में खूब ध्यान देते हैं। अंकिता से एक माफी भी नहीं मांगेंगे लेकिन बाकी लड़कियों के लिए नाक रगड़ने को तैयार हो जाते हैं। आखिर क्यों विकी अंकिता की वैल्यू को नहीं समझते? क्या विकी अंकिता के पति के लायक है? क्या सच में विकी अंकिता का तलाक हो जाना चाहिए? क्या विकी को अपनी पत्नी को समझना चाहिए? पति की हरकतों से परेशान 38 साल की एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे, रिश्ते में पड़ी फूट, बोली भूल जा शादीशुदा। बिग बॉस में यूं तो आए दिन कंटेस्टेंट के बीच के रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन टीवी के फेमस कपल अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी जैन के रिश्ते में भी दूरियां आ गई हैं। ऐसे में सलमान ने विकी को समझाते हुए कहा कि वो पत्नी अंकिता संग मिसबिहेव ना करें, लेकिन सलमान के समझाने के बावजूद भी विकी अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आए, अंकिता पर गुस्सा करते दिखे। वहीं अब शो के अपकमिंग एपिसोड में बिग बॉस घर वालों के मकान फिर से बदल देंगे, विकी को बिग बॉस दिमाग वाले घर में भेज देंगे। वही अंकिता दिल के मकान में ही रहती है लेकिन पति के दिमाग वाले मकान में शिफ्ट होने पर उदास हो जाती हैं, जिस वजह से वो अकेली पड़ गई और रोने भी लगी थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जब उन्हें बिग बॉस बताते हैं कि विकी तो बहुत खुश है, तुम क्यों उदास हो, इस पर अंकिता विकी से कहती है, दांत निकाल कर हंस रहा था, तू मेरा यूज कर रहा था, तू सिर्फ यूज के लिए ही बना है, तू शुरू से ही ऐसा था, मैं तुझे समझ नहीं पाई। अंकिता की हालत बहुत खराब हो रही है और वो बहुत ही ज्यादा रोए जा रही है और डिप्रेशन में जाती जा रही है।